गुड मॉर्निंग आदेश नाथ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। उम्मीद करती हूँ तमाम हिंदुस्तानियों को कि आप अच्छे होंगे। ऐसे जी, आज सवेरे सवेरे ना चाय के वक्त लाइव होना एक बड़ी विशेष बात थी। सॉरी, रात कई कुत्ते भौंके थे और वो कुत्ते इतना भौंके देसी दारू पी के कि उनको ये याद नहीं रहा कि नशे में वो क्या क्या कह रहे हैं। एक कुत्ता भौंका और उसने कहा कि मार के लाश नहीं मिलेगी। साध्वी देवा ठाकुर, घर में घुस के मारूंगा, इतने टुकड़े कर दूंगा, मार के लाश नहीं मिलेगी। और सुनो हिंदुस्तानियों, हरियाणा के लोग, गुजरात, यूपी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति ने लाइव आकर ये कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को, यानी कि वो बंदा कहता है कि उसने इतने लोगों को मार दिया और इतने लोगों की लाशें गायब कर दी कि पता नहीं चलता वो जिसको मारता है। अगर कोई बंदा गायब हो रहा हो या किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, उसका जिम्मेवार वो व्यक्ति है, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है उस वीडियो में। एक बात। दूसरा, मैंने बाय नेम कल भी किसी को कुछ नहीं कहा था, आज भी मैं किसी को कुछ नहीं कहती और कल भी मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर है जो एजाज खान जैसे लोगों के साथ खड़े होंगे वो देश के हित में नहीं हो सकते, वो देशद्रोही थे, देशद्रोही हैं। तीसरी बात, ऐसे है वो चैलेंज चुलेंज कर रहा था, बला आजिए मार दूंगा, फलाण कर दूंगा, मिल लिए। 24 घंटे, जितनी मिनट, जितने सेकंड तेरे बस की हो ना, साध्वी देवा ठाकुर अकेली रहती है गांव ब्रास करनाल में और देवा जी धाम में रहती है और बिना सिक्योरिटी के रहती है, तेरा जब जी कर आजिए। मेरी मार ने मेरे को शेरनी पैदा किया था और मैं अपनी माँ के चरणों में रहती हूँ, उनकी छत्र छाया में, और जिसके पास माँ होती है ना उसके पास बहुत कुछ होता है। और दूसरी बात, कम शब्दों में तू मेरे को तो क्या चैलेंज करेगा? और जो लोग आपको कह रहे हैं ना, और जिन लोगों ने आपको लाइव कहा किया और बोल और सपोर्ट किया, डिटेल है मेरे पास, और उन लोगों की भी डिटेल है जिन लोगों ने ये सारा ताम झाम बुना है। और जो सच है ना, उस सच को नहीं दबा सकते। और ज्यादा मुंह खुलवाओगे ज्यादा बोलूंगी, और बहुत मुंह खोलोगे तो सारी स्टोरियां बोल दूंगी मैं, और वो सारी स्टोरियां बोल दूंगी फेसबुक पे या पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिनसे सर्दी चढ़ जाएगी, सर्दी बुखार के साथ। और सुनिए, मुझे नहीं पता आपके पास 60,000 है, 70,000 है, 1,00,000 आदमी है, मैं अकेली हूं, बिल्कुल अकेली। 1,25,000 से एक लड़ाऊं श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं, मैं उन गुरुओं को मानने वाली व्यक्ति हूं। सुन गया? और सुन ध्यान से मेरी बात, तू क्या धमकी धुमकी दे रहा था रात दारू पी के बैठ के गाड़ी में चार आदमियों को लेके? इन धमकियों से डरती मैं? मेरा पूरा नाम सबने पता अच्छी तरह, करने और करने में ना बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। और ऐसे नहीं भौंकिया कर दे, समाज की मर्यादा रखा करें। और सुन, तेरे नहीं बस का कुछ भी, कुछ मीन्स कुछ भी, चार आदमियों के कंधे पर रख रख के चला रहा है, कितने मार दिए तूने, लाश गायब कर देगा तू? इतना बड़ा आदमी है, मैं पता करूंगी कितने के लोगों को तूने गायब कर रखा है। और लास्ट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, हिंदुओं का खून है हमारे अंदर, थूक के नहीं चाटते हम, एजाज खान के अपनी ऐसी तैसी करवाने नहीं जाते हम। और दूसरा, उन कठमुल्लों को अपने भाई नहीं बोलते हम, ऐसी भूमिका नहीं बनाते हम। और उन लोगों को भी मैं जानती हूँ जो पीछे से ऐसे ऐसे इसको बैक सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, तूने बहुत अच्छा बोला। और उन लोगों को भी जानती हूँ मैं, 70 ऐसी महिलाएं हैं जो खड़े होकर ये कह सकती हैं किन किन के साथ क्या क्या गलत और कब कब हो रहा है। और ये राजस्थान की बात, मेरे को रात दुनिया भर के रात कॉल मैसेज आ रहे थे कि साध्वी जी, इन लोगों ने ये कहा, उन लोगों ने वो कहा, जो जिसका दिल करे करे, लेकिन
साइलेंट रहना चाहिए आदमी को, खुश रहना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, आपको बधाई देना चाहती हूँ। निर्भय कांड के दोषियों को कल फांसी हो जाएगी, ये देश के लिए एक बड़ा मैसेज है। मैं ये भी चाहती हूँ जितने भी देश में रेपिस्ट हैं, जितने भी लोग इस टाइप के हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पहले केस हों, 2 साल पहले हों, 4 साल पहले हों, 6 साल पहले हों, ये खुलने चाहिए। और हाँ, वो ऐसे गंदगी से दूर ही रहना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। हिंदुस्तान में मोदी जी ने बहुत सफाई की हुई है और बाकी भी सफाई होनी चाहिए। गंदगी में क्या रखा है, जितने लोग जुड़े हैं इसको शेयर कर देना। और कुछ लोग मेरे को रात चैलेंज कर रहे थे भाई, उनको कह देना 24 घंटे यारे रूम है, जब दिल कर आ जाइए।